नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज हम आपके लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की आज सुबह की बड़ी खबरें। तो कौन कौन सी खबरें हैं और अपने जिले के हाल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। आइए जान लेते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो कि भोपाल से निकल करके आ रही है। कोरोना अपडेट, मध्य प्रदेश में कोरोना के 870 नए केस, भोपाल में 6 की मौत, इन जिलों में बिगड़े हालात। दर्शकों, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। एक तरफ जहां संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में आज कोरोना के नए मामलों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक ही दिन में 6 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 870 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,689 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 122 सैंपल रिजेक्ट हो गए, वहीं 19,809 सैंपल नेगेटिव आए और 870 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इन्हें मिलाकर राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 41,604 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 15 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब तक मृतकों की संख्या 1,048 हो गई है। 643 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 31,239 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, उज्जैन, खरगोन, नीमच, खंडवा, रतलाम, रीवा, विदिशा, रायसेन, दतिया, बैतूल, होशंगाबाद, श्योपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी, पन्ना, शहडोल, सिवनी और डिंडोरी में 10 से अधिक पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट में फिर 4 जिले ऐसे हैं जहां आज कोई कोरोना केस नहीं मिला। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो कि है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। कृष्ण लीलाओं की झांकियों से सजा सीएम हाउस, परिवार संग कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट काल के चलते इस बार मंदिरों में भीड़ नहीं है, लेकिन लोगों ने घरों में ही उत्साह की पूरी तैयारियां कर ली हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सज गया है और सीएम हाउस भी सज गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां की हैं। रात 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां की। मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह चौहान ने कृष्ण की लीलाओं से घर के मंदिर की साज सज्जा की। मुख्यमंत्री निवास में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर गोवर्धन पर्वत को उठाने तक की झांकियां तैयार की गई। कृष्ण जन्म, श्री कृष्ण का गोपियों के साथ खेल, माखन चोरी, बांसुरी वादन, राधा कृष्ण प्रेम और गोवर्धन पर्वत की झांकियां तैयार की गई। मुख्यमंत्री रात 12 बजे परिवार के साथ कृष्ण जन्मोत्सव त्योहार मनाया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगले जिले की, जो ग्वालियर से खबर आ रही है, जिसमें गौशाला में गोवंश की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस विधायक ने लिखा मुख्यमंत्री को पद की बड़ी मांग। दोस्तों, नगर निगम द्वारा गोली का मंदिर के पास मार्क हॉस्पिटल परिसर में संचालित गौशाला में गोवंश की दुर्दशा से आहत ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें अविलंब व्यवस्थाएं सुधारने का अनुरोध किया गया है। विधायक श्री पाठक ने मुख्यमंत्री को पत्र की शुरुआत गोरक्षित से की और उन्होंने लिखा कि यहाँ पर दुर्दशाएं, गौवंश की दुर्दशा हो रही है, इस पर ध्यान आकर्षित कराया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कमलनाथ के पोस्टर पर भाजपा नेता का तंज है, कृष्ण नकली अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाओ ना भोपाल। दोस्तों, भोपाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ का एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। जन्माष्टमी से पहले वायरल हो रहा है इस पोस्टर में कमलनाथ को अर्जुन बताया गया है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
भाजपा नेता दुर्गेश केसवानी ने ट्वीट कर लिखा है कि हे कृष्ण अब तो शंख बजाओ ना, होती है सदैव सत्य की जीत, नकली अर्जुन को बताओ ना। भाजपा नेता ने कमलनाथ के अर्जुन वाले पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है कि हे कृष्ण अब तो शंख बजाओ ना, होती है सदैव सत्य की जीत, नकली अर्जुन को बताओ ना। क्या सही है क्या गलत, इसको ज्ञान कराओ ना, इस नकली अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाओ ना। धोखा देकर जनता को जिसने किया वचन भंग, जो कभी करता था अटखेलियां जैकलिन संग, सत्ता लोलुपता में किया वेश धारण अर्जुन बनकर, इस प्रकार का तंज कसते हुए ट्वीट किया है भाजपा के नेता ने। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगले जिले की, जिसमें गुना जिला आ रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। चाचौड़ा को जिला बनाने पर सीएम से किए बड़े सवाल। दोस्तों गुना से खबर निकल के आ रही है, प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा तहसील को जिला बनाने की मांग अक्सर उठाते रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग उठाई है। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने के सुशासन वेबिनार का निष्कर्ष योजनाओं को दबाया नहीं जाएगा। चाचौड़ा को जिला बनाने की योजना को शिवराज जी ने भी सार्थक समर्थन दिया था, कब बनेगा, इस प्रकार के सवाल खड़े करे हैं। अब देखते हैं चाचौड़ा को जिला बनने में और कितनी मुशक्कतें करनी पड़ेंगी। आई बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल कर दतिया जिले से। कांग्रेस नेता और उनके बेटे पर FIR दर्ज, शासकीय भूमि पर कब्जा करने पर व बेचने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि दतिया जिले में वन विभाग की करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी के जरिए हड़पने तथा बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोप में कांग्रेस के नेता प्रदेश महासचिव मुरारी गुप्ता लाल पर और उनके बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग की शासकीय भूमि पर कब्जा करने व बेचने पर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर इनके ऊपर FIR की गई है। इसी के साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का बगीचा व अन्य लोगों के प्रतिष्ठान भी शासकीय दस्तावेजों में हेरा फेरी कर निर्माण कराए जाने की श्रेणी में आ रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट खबर निकल के आ रही है, जो कि 4.5 महीने बाद कल से खुल गए हैं जिम और योगा सेंटर के ताले, राजधानी में फिटनेस सेंटर शुरू। दोस्तों अनलॉक 3 के बाद कल से राजधानी के जिम और योगा क्लासेस 4 महीने से ज्यादा दिनों से लगातार ताला टूट गया है। करीब 4.5 महीने के अनलॉक के बाद आज से भोपाल में जिम और योगा संस्थान खुल गए हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें सरकार की गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा। शहर के फिटनेस बनाए रखने के लिए जहां 200 से ज़्यादा जिम और 50 से ज़्यादा योगा सेंटर हैं, जो 25 मार्च से ही बंद थे, अब इन्हें खोलने के लिए अपर कलेक्टर सतीश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अपने जिम या योगा सेंटर खोलने के लिए संस्थान को एक फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के SDM के पास जमा कराना होगा, जिसमें जिम और योगा सेंटर के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा होगी। इसके बाद ही उस जिम का योगा सेंटर को खोलने जाने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद इस बारे में जानकारी जिम या योगा सेंटर के बाहर चस्पा करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 15 दिन के लिए संबंधित सेंटर को सील की भी किया जा सकता है। इस बारे में कलेक्टर ने सभी SDM को निर्देश भी भेज दिए हैं। दर्शकों ये थी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की आज की बड़ी खबरें। तो आपको ये कैसी लगी हम कमेंट्स में अवश्य बताएं, और आप और भी क्या नया देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि हम और भी हमारे वीडियो में और भी परिवर्तन कर पाएं और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी प्रदान कर पाएं। आज के वीडियो में हम फिर आज होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।